आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स ऑफ चैप्टर 2 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और चार्जेस और फील्ड के ही ऊपर बेस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज आवर फर्स्ट पॉइंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले क्विक एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा जो हमने ऑलरेडी क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर में कवर किया हुआ है। दैट पॉइंट राइटिंग ओवर हियर। अगर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इनफिनिटी पे जीरो मानी जाए, यानी कोई चार्जेस या कोई भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हम इनफाइनाइट मानते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। सो इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, अगर रिपल्सिव फोर्सेज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। आप देखें यहाँ पे दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अगर प्लस कैपिटल क्यू फिक्स्ड है और ये वाला प्लस स्मॉल क्यू बहुत दूर है, यानी इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वी कंसीडर द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो। एक बात और ध्यान रखेंगे, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी। कई बार पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रैक्शन एनर्जी टर्म से भी डिनोट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाते हैं तो ऑब्वियसली इसका फोर्स इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब पास लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आना चाहता, तो जो वर्क करता है वो एनर्जी देता है, ये पहले ही बात करी है। तो सिस्टम जिसकी एनर्जी इनिशियली जीरो थी फाइनली बढ़ जाएगी, यानी जीरो से पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इनफाइनाइट से लाने में हमको इसको सपोर्ट करना पड़ता, अदरवाइज ये एक्सेलरेट होता हुआ आता है इसके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, और ये रेस्ट पे अगर किसी पोजीशन पे इसका मतलब इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी उसको हमको निकालना पड़ेगा बाहर या इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये रेस्ट पे आएगा, यानी इस सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज इनिशियली जीरो थी और उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो सेम रिलेशन व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज वैलिड हियर ऑल्सो। सो आप बस एक चीज ध्यान रखेंगे, द बेसिक पॉइंट जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जब भी एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क की बात होगी तो आप हमेशा इसको लिख सकते हैं, किसी सिस्टम की एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी एक्सटर्नल फोर्सेस, तो दिस रिटन एज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। और अगर वर्क डन बाय सिस्टम फोर्स की बात की जाए, सिस्टम फोर्स का मतलब जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है उसने जो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, सिस्टम फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें हम, सो इन सच केसेस वर्क डन बाय सिस्टम फोर्सेस इज गिवन एज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ये दो रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा, कई जगह पे डायरेक्ट लिख भी दूंगा, कई जगह पॉइंट टू द पॉइंट बता भी दूंगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी साथ में रिव्यू करते रहनी है, रीडिंग कर लें, जो जो पॉइंट मिल रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। इन अ सिंगल शॉर्ट वीडियो यू आर गोइंग टू कवर अप एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन योर शॉर्ट नोट्स। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। रादर अगर मैं बात करूं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यू नीड टू कीप दिस डेफिनेशन इन योर माइंड, वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी भी चार्ज के सिस्टम को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क होता है दैट वी डिफाइन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अभी अभी हमने बात करी थी। सो अगर दो पॉइंट चार्जेस की अगर बात की जाए, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ dr from infinity to a given separation r। This is a general relation we use, that's what you need to keep in mind। तो अगर दो charges के लिए बात करेंगे तो force को you can substitute as minus integration of k q1 q2 by r square dr from infinity to r when you integrate with the dot product, कि एक q1 fixed है और Q2 को आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं, या Q2 को फिक्स कर दीजिए Q1 को लाइए, बात एक ही है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ये रिलेशन ध्यान रखनी है। और कई बार साइन को लेके यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कब डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो लेना है, कॉस 180 लेना है, या माइनस साइन का क्या करना है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। अगर ये सेम साइन है यानी रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव साइन लगा दीजिए, नथिंग एल्स, प्लस फॉर रिपल्सिव फोर्सेज एंड माइनस फॉर
अट्रैक्टिव फोर्सेज, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. हमेशा रिजल्ट को ऐसे ही मैनिपुलेट करा जा सकता है, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट एनी कैलकुलेशन पार्ट, दैट्स व्हाट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. डायरेक्ट वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन अगर पोटेंशियल की बात करें, इट इज रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक और डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी जो मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, यू कैन कीप इट इन योर शॉर्ट नोट्स. दैट इज पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो आपने शायद 9th या 10th में भी डेफिनेशन याद करी होगी. सो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने का वर्क. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया 1 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक जगह तक लाने में जो वर्क होगा 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी. दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी. इट इज रिटन एज यूपी डिवाइडेड बाय क्यू. यूपी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट पॉइंट पी. इस तरीके से ध्यान रखें, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट पी. किसी पी पॉइंट पे अगर क्यू चार्ज को रखा गया तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गिवन एज यूपी डिवाइडेड बाय क्यू. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. और यूपी का वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर विद अ नेगेटिव साइन. Vectorially also you can mention. So UP divided by Q में F by Q will become electric field. So this minus integration of E dot dr from infinity to R. ये result आपको ध्यान में रखना है. किसी भी point पे potential calculate करने के लिए आप ये formula use कर सकते हैं. UP by Q में F by Q will be electric field because force on a charge Q will be QE. That's what you need to keep in mind. अगला point मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ. That is potential due to a point charge अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर एक चार्ज प्लस क्यू है एट ए डिस्टेंस आर वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो 1 कूलम चार्ज को आप यहाँ पे प्लेस करिए और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दीजिए जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे फॉर्मूला करा था के क्यू वन क्यू टू बाई आर. सो दिस कैन बी रिटन एज के Q divided by R which is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. That's what result you need to keep in mind. The potential due to a point charge at a given distance. आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी. इफ देयर इज अ डाइपोल विद चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा दिस इज गिवन एज 2qa और डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर. अब इन दोनों चार्जेस की वजह से अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पहली चीज तो आप ध्यान रखें पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो अगर मल्टीपल चार्जेस है तो उन सब की वजह से पोटेंशियल एडअप हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पहले लेता हूं पॉइंट नंबर 6 पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. मल्टीपल चार्जेस या आप इसको कह सकते हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट यही दिया हुआ है. सो पोटेंशियल नेट जब हम बात करते हैं तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं समीशन ऑफ के क्यू आई बाई आर आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n. अगर n चार्जेस हैं तो सब चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट चार्ज वाले रिजल्ट से सिंपली सम अप कर देंगे. कोई वेक्टर रिलेशन नहीं होगा. सो अगर ये क्यू चार्ज अगर पी पॉइंट से हम बात करें आर वन डिस्टेंस पे है और ये वाला माइनस क्यू चार्ज यहाँ से आर टू डिस्टेंस पे है तो आर वन आर टू आप यहाँ पे थीटा की टर्म्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. डेरिवेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी. यू कैन गो थ्रू इट हियर. आई एम नॉट सपोज टू टेक डेरिवेशन बट वर्ड बाई वर्ड आप शॉर्ट नोट्स में सिर्फ ये फिगर रखिए और ये निकाल लीजिए. पोटेंशियल एट पॉइंट इज गिवन एज के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर. ये रिजल्ट ध्यान रखना है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बात करते हैं तो वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्हेयरएज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. रिजल्ट एज इट इज दिमाग में रखें. आर वन आर टू को आप ए और थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करके P पॉइंट पे ये जरूर लिख सकते हैं वी एट पॉइंट P विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर वन माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर टू. फर्स्ट पार्ट इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू. सेकेंड पार्ट इज ड्यू टू माइनस क्यू. नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा. ये चीज़ ध्यान रखनी है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आए. पोजी क्लियर करें.
थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट अगला पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, काफी इंपॉर्टेंट केस है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एग्जाम में इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के किसी ना किसी तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाम से ये समझ में आ रहा है एक ऐसी सर्फेस होगी जिसपे कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। बट सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, दीज आर इमेजिनरी सर्फेसिस, दीज आर नॉट रियल सर्फेसिस। सो मल्टीपल केसेस को समझने से पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिमाग में रखें, इन चीजों को शॉर्ट नोट्स में भी डाल लीजिए। पहला फैक्ट तो ये कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट एग्जिस्ट करता है तो ए पॉइंट या बी पॉइंट की बात करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी होगा। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, अगर फील्ड की डायरेक्शन किसी तरफ दी हुई है तो उस डायरेक्शन का पोटेंशियल हमेशा पीछे वाले से लेस होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, या इक्विपोटेंशियल सर्फेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर एक ये फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। इस तरह की अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर पॉइंट पे किस तरह का होगा कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई वेक्टर होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डाइवर्जिंग या इस तरह का है तो आगे वाली की पोटेंशियल सरफेस भी ऐसी ही होगी, और अगर इसका पोटेंशियल वी वन इसका वी टू है तो आप डायरेक्टली वी टू लेस देन वी वन लिख सकते हैं क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। अगर ये फ्लैट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं और इनका पोटेंशियल वी वन वी टू वी थ्री वी फोर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो वी फोर इज लेस देन वी थ्री इज लेस देन वी टू इज लेस देन वी वन। ये रिलेशन दिमाग में अच्छी तरह से रखना है। अब आप किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसी होगी या एक लाइन चार्ज की कैसी होंगी, नेक्स्ट पॉइंट में हम वो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। आइए आगे बढ़े, पोजी क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट अभी हमने बात करी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, अगर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा जाए तो जो हमने अभी दो फैक्ट्स पढ़े थे उन्हीं फैक्ट्स के बेस पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज और एक लाइन चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे होता है, लाइन चार्ज से भी रेडियली अवे होता है लेकिन वो लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब हमको ऐसी सरफेस ड्रॉ करनी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी यहाँ पे थ्री डायमेंशनली रेडियली आउट फील्ड है तो स्फेरिकल सर्फेसेस ड्रॉ हो जाएंगे, इस तरह की इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगी एंड देर आर इनफाइनाइट सच सर्फेसेस, कोई भी एक पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं सर्फेस को। तो ये आप ना समझें कि ये कोई रियल सर्फेस है, दीज आर इमेजिनरी सर्फेसेस। तो ये अगर वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो जितना हम चार्ज से दूर जाते हैं हमें पता है इसका पोटेंशियल चार्ज की वजह से कम होता जाता है बिकॉज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप ये लिख सकते हैं एज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल ऑफ थ्री इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ टू लेस देन पोटेंशियल ऑफ वन, एंड दीज सर्फेसेज आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होंगी क्योंकि आप थ्री डायमेंशनली इमेजिन कीजिए, चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स परपेंडिकुलर निकलती हैं। उसी तरह से अगर एक लाइन चार्ज की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस की शेप कैसी होगी, आप डायरेक्ट इमेजिन कर सकते हैं इट विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाएगा, दिस सिलेंड्रिकल इन शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए लाइन से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हर पॉइंट ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। अगर आप एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट की बात करेंगे, इफ वी आर गिवन विद अ चार्ज शीट, तो इस चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म निकलता है, ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अगर यहाँ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो आप ये कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लैट प्लेन्स होंगे, कि पोटेंशियल सर्फेसिस आर फ्लैट प्लेन्स। और अगर ये वन टू थ्री हैं तो अगेन आप लिख सकते हैं वी वन ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी थ्री, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोजी क्लियर करो। थैंक यू पोजी।
सो स्टूडेंट एनसीईआरटी में ही नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. दो पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ देर आर टू चार्जेस क्यू वन क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, देयर एनर्जी इज गिवन एज के क्यू वन क्यू टू बाय आर. दिस इज द इंट्रैक्शन एनर्जी. रिपल्सिव फोर्स के लिए पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए नेगेटिव. लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो इन दैट केस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर है, उस मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस में, मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में हम जितने भी पेयर्स होंगे उन पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सिंपली स्केलर फॉर्म में एडअप कर देंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर ऑफ चार्जेस. एक केस ले लेते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू. अगर एक ट्रायंगुलर चार्ज सिस्टम दिया हुआ है जिसमें तीन चार्जेस है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो इन तीनों के दो 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 चार्जेस के जो पेयर बनेंगे क्यू वन क्यू टू क्यू टू क्यू थ्री और क्यू थ्री क्यू वन, इन पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर देंगे तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट बियॉन्ड दैट. अगर मान लो आपके पास चार चार्जेस हैं तो ऑल ऑफ यू नो भाई 4C2 टोटल छः पेयर बनेंगे, तो छियों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के एडअप करनी है और कुछ भी नहीं करना है. दैट्स द वे यू नीड टू प्रोसीड फॉर फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस. आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी में ही एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी किसी एक्सटर्नल फील्ड या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके हर पॉइंट पे इस फील्ड के सोर्स की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. ये बात हम कर चुके हैं, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है. अगर ये पी पॉइंट है तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वी पी. इसका मतलब अगर एक यूनिट चार्ज को उठा के पी पॉइंट पे लाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा. अगर मान लो हम यहां पे एक क्यू चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो इस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी. दिस क्वाइट डायरेक्ट पॉइंट, यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट पी इज, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी यू कैन राइट एज क्यू मल्टीप्लाइड बाय वीपी. दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल वीपी है तो वन कूलम चार्ज को लाके यहां रखने में वीपी वर्क होता है, तो क्यू चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा. एक्सटर्नल वर्क इज ऑलवेज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. जब ये इन्फिनिटी पे था तो एनर्जी जीरो थी, यहां पे एनर्जी हो जाएगी क्यू वीपी. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. और इसी रिलेशन को यूज करके हम जो दो पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी वो वापस से देख सकते हैं. अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक क्यू वन है और एक क्यू टू है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट. यू कैन से अगर इस क्यू टू को पी पॉइंट पे रखा है तो इस क्यू वन की वजह से पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू वन बाई आर. ये हमने अभी डिस्कस किया था, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट. तो अगर यहाँ पे क्यू टू को ला के रखा है तो एनर्जी ऑफ क्यू वन विद क्यू टू विल बी गिवन एज this you can write as Q2 multiplied by Vp or it is K Q1 Q2 by R. जो मैंने आपको पहले बताया था Q2 की वजह से अगर Q1 पे निकालो या Q1 की वजह से Q2 पे निकालो, it comes out to be same thing. और this is written as interaction energy क्योंकि ये दो charges के interaction की energy है, value एक ही रहेगी चाहे Q2 को fix करके Q1 को लाएं, Q1 को fix करके Q2 को लाएं. That's what you need to understand. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इन एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस सिचुएशन में टॉर्क लगता है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और टॉर्क ऑन डाइपोल, ये चीज प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस करी थी. टॉर्क एक्ट करता है पी क्रॉस ई, और यू कैन सी इन मैग्नीट्यूड इट इज़ रिटन एज पी ई साइन थीटा, जिसकी टेंडेंसी होती है कि डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले आए. और एज थीटा चेंजेस टॉर्क ऑल्सो चेंजेस. बट अगर थीटा इक्वल टू जीरो की स्टेज देखी जाए, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है जहाँ पे नेट फोर्सेस पे जीरो है, अगर उसे जीरो रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माना जाए तो इसको रोटेट करने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल प्लेस्ड इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम जीरो डिग्री टू थीटा डिग्री. माइनस साइन आप लगा सकते हैं अगर एक्सटर्नल टॉर्क की बात करें, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी माइनस पी ई कॉस थीटा, एंड द सेम यू कैन राइट एज माइनस पी डॉट ई.
दिस यू कंसिडर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इससे ज़्यादा डेप्थ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट देर आर वेरियस केसेज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको अगर डेप्थ में आपको कवर करना है जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो फिजिकल एक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो में पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में है, लेकिन वो भी हार्डली 6 to 8 minutes का ही है, उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी. वन पॉइंट हियर आई कैन राइट फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 degree, हेयर यू कैन कीप इन माइंड कि जब थीटा 0 होगा तो यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी ई, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एंड दिस इज द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं. इसी तरह से फॉर थीटा इक्वल्स टू 180 degree, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम बिकॉज इट्स वैल्यू विल बिकम प्लस पी ई एंड दिस विल बी द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. ये चीज़ें अपने दिमाग में एज इट इज रखें. इन डेप्थ पूरी कवरेज के लिए आप कॉन्सेप्ट वीडियो पर कभी भी जा सकते हैं. शॉर्ट नोट्स में दीज पॉइंट्स यू नीड टू कीप. आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन का यहाँ पे हम ले रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर. इस सेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि एक मेटल बॉडी पे अगर चार्ज दिया जाए तो क्या होता है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस मेटल बॉडी विच इज गिवन सम चार्ज, तो एक बात हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि मेटल को अगर चार्ज देंगे तो वो चार्ज रिपेल करके अपनी सरफेस पे, इस मेटल बॉडी की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, फॉर isolated conductors on surface, जो इसकी surface charge density होती है, surface density of charges, that you need to keep in mind the sigma is inversely proportional to r. ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, just keep in mind because this is very very important for you. यानी sharp edges of conductor पे charge density ज़्यादा होती है और जहाँ flat surfaces है वहाँ charge density कम होती है. conductors के लिए तीन और important point हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं. important facts मैं यहाँ पे list up कर देता हूँ. the very first is charge only on surface बता दिया गया आपको. number two is its surface is always equipotential. मेटल बॉडी के अंदर दो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंडक्ट हो जाएगा. सो एक मेटल बॉडी पे हमेशा यूनिफॉर्म पोटेंशियल ही रहता है अंदर बाहर सरफेस पे, तो ऑलवेज सरफेस ऑफ अ मेटल बॉडी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल बॉडी इज जीरो. ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दैट आल्सो रिलेट कि अगर अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाता है. ये बात आप ध्यान रखेंगे. मैं दो पॉइंट और यहाँ पे ले लेता हूँ. नंबर 13 इज रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एनी रीजन, जो डायरेक्टली आपको इससे भी रिलेट कर देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन इज गिवन एज माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. दिस रिटर्न एज माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप. सो फॉर अ कंडक्टर, हमेशा इस चीज से ध्यान में रखना है आपको. फॉर अ कंडक्टर as v is equals to constant, v inside is constant, तो v inside अगर constant करोगे तो derivative comes out to be zero, तो e inside comes out to be zero. जिस region में potential vary कर रहा है 3 dimension के साथ, तो इस relation से आप उस region का electric field निकाल सकते हैं. ये ध्यान रखना है. और किसी भी surface पे हम बात करेंगे तो surface पे जो electric field होगा वो हमेशा metal body की surface के perpendicular ही originate होगा. अगर negative charge होता तो terminate हो रहा होता, अंदर जा रहा होता इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता. ये सेकंड पॉइंट से आप हमेशा ध्यान रखेंगे. ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मेटल सरफेस, ये बात हमेशा एज अ फैक्ट दिमाग में रखनी है. एक और पॉइंट मैं यहीं पे कवर कर लेता हूं. 14, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. This can be derived by using Gauss law. और result important है, आपको ध्यान में रखना है. अगर surface पे charge density sigma coulomb per meter square है, तो इसके just बाहर electric field on surface is given by sigma by epsilon naught. कई students को लग रहा होगा ये result तो infinite metal charge sheet का है. You are absolutely right. The same result is valid for a conductor. Just outside the conductor in the vicinity of surface, electric field is given by sigma by epsilon naught. ये हमेशा ध्यान में रखना, कई applications में काम आएगा. आगे बढ़ते हैं next point पे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी.
So Ashwin, another important point about electrostatics of conductor is electrostatic shielding. One liner concept है, but इसको मैं अलग से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिमाग में रहे, आपके अलग से short notes में एक point रहे. अगर कोई भी metal body है और उस metal body के अंदर एक cavity है, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, whenever some charges are given to this body, वो उसके outer surface पे आ जाते हैं और इस तरह से distribute हो जाते हैं कि इसके अंदर हर point पे electric field zero रहे. तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, inside cavity electric field is always equal to zero. अब इसके बाहर अगर field है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई external field लगाया जाता है, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो ये इन चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर सकता. दैट्स व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि अगर एक मेटल एनक्लोजर है तो मेटल एनक्लोजर अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा जीरो मेंटेन करके रखता है. मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड equal to zero or not equal to zero inside a metal cavity, E inside is always equal to zero. ये चीज़ आपको दिमाग में अच्छी तरह से रखनी है, यानी किसी भी बॉडी को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको एक मेटल की फॉइल में या मेटल एनक्लोजर के अंदर रख दीजिए, उसके ऊपर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट, बाहर के चार्जेस का कोई इफेक्ट अंदर नहीं आएगा. दिस फेनोमेना वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एज आई ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, दीज आर इंसुलेटर्स, लेकिन दीज आर नॉट नॉर्मल इंसुलेटर्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस ऑल्सो. आप कह सकते हैं डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर क्या होता है? दीज आर फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंसुलेटर में तो फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, दे आर फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स. सो अगर कोई चार्ज कैरियर नहीं है तो इंसुलेटर है. लेकिन अब एक डायलेक्ट्रिक और एक नॉर्मल इंसुलेटर में क्या फर्क होता है? बेसिक डिफरेंस होता है, डायलेक्ट्रिक इज मेड अप ऑफ डाइपोल्स, या एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसमें डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं. लाइक दिस इज मेड अप ऑफ डाइपोल्स और डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड वन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. आप सारे इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, अगर उनमें डाइपोल्स डेवलप होते ही नहीं हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो है और इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ डाइलेक्ट्रिक. बट इफ इट इज टर्म्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक, इसका मतलब उसमें डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं. जब भी किसी एटम को, किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाता है, तो उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट होने लगते हैं एंड एवरी एटम ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ डाइपोल. लाइक सिचुएशन देखते हैं, मटेरियल स्लैब जिसमें डाइपोल्स हैं जो रैंडमली बिखरे हुए हैं, अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे डाइपोल्स ऐसे अलाइन हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? क्लियर है, अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ई फोर्स आगे लगेगा, नेगेटिव पे क्यू ई पीछे लगेगा, और ये क्यू ई इसको रोटेट करके अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर देगा. सो आप ये कह सकते हैं सारे के सारे अलाइन हो गए. अब क्योंकि अलाइन हो गए तो इस हर डाइपोल का कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट पी वैक्टर होगा. ये पी वेक्टर कहां से आया? क्योंकि फील्ड की वजह से आया. जब ये फील्ड नहीं था तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल डाइपोल मूवमेंट वेक्टर था वो जीरो था, क्योंकि सारे डाइपोल्स रैंडमली बिखरे हुए थे, कोई आगे कोई पीछे, कोई इधर कोई इधर, तो सबके इक्वल और अपोजिट भी डाइपोल होंगे तो उन सारे वेक्टर्स का सम हो जाएगा जीरो. लेकिन फील्ड लगाने से सबके सब क्या हुए? अब ध्यान से देखो, रोटेट होके फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे, घूम घूम के सबके सब अलाइन हो गए, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, दिस विल बी सम ऑफ ऑल द डाइपोल्स प्रेजेंट इन दिस स्लैब. जितने भी डाइपोल मोमेंट छोटे छोटे हैं उन सबके वेक्टर का सम होगा, क्योंकि सबके सब सेम डायरेक्शन में आ गए. अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ही इस सिस्टम में डाइपोल मोमेंट ज्यादा अलाइन होके बढ़ जाएगा. तो ये जो टोटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर है इसको अगर हम डिवाइड कर दें पी टोटल को वॉल्यूम ऑफ स्लैब से, यानी इस स्लैब का अगर वॉल्यूम ले लिया जाए V और इससे इसको डिवाइड कर दें तो जो निकल के आएगा, दिस डिनोटेड एज P नॉट वेक्टर एंड दिस कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, और सिंपली पोलराइजेशन कैन ऑल्सो बी टर्म दिस पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक स्लैब विच गेट्स पोलराइज्ड
when electric field is applied onto it. और ये जो polarization है किस पे depend करेगा, ये depend करेगा electric field पे. तो यहाँ पे हम एक point और mention कर सकते हैं, point number 15, that is relation in electric field vector and polarization vector. Polarization vector आपको दिमाग में रखना है, short note में लिख भी लीजिए. This is the total dipole moment of material per unit volume. I am not writing but you need to write it in your short notes. कि polarization vector होता है total dipole moment of the material when it is subjected to electric field per unit volume. So इनका जो relation है that also you need to keep in mind. जो पोलराइजेशन वेक्टर है, सर्टेनली फील्ड ज़्यादा है तो पोलराइजेशन वेक्टर ज़्यादा है, यानी प्रोपोर्शनल रिलेशन होंगे. दिस रिटन है साई मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जहाँ पे जो साई है दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक. जिस डायलैक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, जिस भी मटेरियल में डाइपोल्स होंगे उसको हम टर्म करेंगे डायलैक्ट्रिक. और डायलैक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो पोलराइज हो जाएगा और उसमें डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी. दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. एनसीईआरटी में बेस फैक्टर सिर्फ इतना सही है जो हमें दिमाग में रखना है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर. बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन, नीट, जेई एडवांस, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन इन डिटेल. एनसीईआरटी में बहुत सुपरफिशियल है. यहाँ पे जरूर हम वर्ड बाई वर्ड एनसीईआरटी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं भी पढ़ी है तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की चीज़ों पर कमांड बिल्ड हो जाए, और ट्वेल्थ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को दिमाग में एज इट इज आप सेट कर लें. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये होता क्या है. सो अगर हम एक मेटल की बात करें, कोई भी मेटल बॉडी है, इस पे इंफिनिटी से चार्ज क्यू लाके हमने प्लेस किया. सो अगर बॉडी पे चार्ज प्लेस करोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा. हम ये निकाल सकते हैं बॉडी पोटेंशियल क्या हो जाएगा. यहां पे वी कैन राइट पोटेंशियल ऑफ बॉडी, और ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे पोटेंशियल ऑफ बॉडी हमेशा इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं. तो बॉडी का पोटेंशियल वी हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाई आर. आप हमेशा देखेंगे जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल ही आएगा. अगर मान लो सिंगल बॉडी ए की बजाय दो बॉडी ले लें, यहाँ पे एम और एन दो बॉडी हैं, दोनों न्यूट्रल थी, और एन में से चार्ज क्यू निकाल के एम पे डाल दिया, तो एम पॉजिटिव हो जाएगा और एन नेगेटिव हो जाएगा. हम ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज एन से एम पे शिफ्ट किया. नेगेटिव भी शिफ्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को एम से निकाल के एन पे कर दिया. बात एक ही है, कहने के तरीके का फर्क है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. हमेशा आप ध्यान रखें, कई बच्चे इसी में फंसे रह जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज दिया कैसे, क्योंकि ये तो मेटल से निकल ही नहीं सकता. सो माय डियर स्टूडेंट, बेवकूफ़ी भरी बातों में अपना टाइम खराब ना करें. पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाले गए. इट इज़ वन एंड सेम थिंग, सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज अबाउट दी लैंग्वेज व्हाट इज बीइंग यूज. पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, बट इन एक्सप्लेनेशन हम कुछ भी दे सकते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी मान सकते हो. सो नाउ अगर हमने इधर चार्ज दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा पोटेंशियल वी पॉजिटिव, और इस पर पोटेंशियल आ जाएगा वी नेगेटिव. अब चार्ज क्योंकि एन से निकाल के एम पे डाला गया है, तो इसका पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए कि जहां से हम चार्ज को लेके आए हैं, तो यहां पे इसकी फाइनल एनर्जी चार्ज की हो जाएगी क्यू इंटू वी प्लस, और यहां पे एनर्जी थी क्यू इंटू वी माइनस. सो इनिशियल से फाइनल एनर्जी पे जाने में जो भी वर्क होगा वो इसका पोटेंशियल होगा कंपेयर टू इनिशियल पॉइंट. सो हम ये कह सकते हैं, इसको आप एक नया टर्म भी दे सकते हो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अभी तक हमने डिफरेंस की बात नहीं की, बट दिस गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन, अगर एम और एन का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास बहुत क्लियर कट पॉइंट के अंदर वी प्लस माइनस ऑफ वी माइनस, दिस वी एम एन. दिस वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, तो डिफरेंस आ जाएगा. अगर हम चार्ज को निकालने का वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वेरी क्लियरली यू कैन स्टेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू वॉट क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस माइनस वी माइनस. बट इन दिस केस अगर कभी पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन करनी है तो एक 17 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटेंस. व्हेन यू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज सिंपली रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी आर माइनस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए. बी पॉइंट से ए पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा वो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन आप डिटेल में पढ़ना है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट 5 या 8 मिनट की वीडियो में, कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके इस चैप्टर को पढ़ लीजिए. टाइम आपके पास काफ़ी मिल जाता है. सो व्हेन यू स्टडी थ्रू पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोज दिस गोइंग टू हेल्प यू. और इन डेप्थ पढ़ने के लिए, थ्योरेटिकल रीडिंग के लिए फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A में ये चैप्टर दिया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है. यू कैन यूज दैट एज वेल. सो हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि चार्ज को जब यहां से ट्रांसफर करेंगे तो इन पे पोटेंशियल्स बिल्ड होंगे और ये जो हमेशा पोटेंशियल होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है दैट इज डिफाइंड एज सी विच इज रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाई वी. दिस वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. और ये जो सी है दिस कॉल्ड कैपेसिटेंस. ये वाला कैपेसिटेंस अभी भी मुझे पता है कई स्टूडेंट्स को बेस लेवल पे कंफ्यूजन होगा, बट हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स. कैपेसिटेंस हमेशा ध्यान रखोगे इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स आइदर वन और मोर देन वन. एक से ज्यादा अगर दो हैं तो पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लोगे. ये याद रखना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिंगल के केस में हम पोटेंशियल लेंगे, इस केस के अंदर दिस पोटेंशियल for one conductor and this potential difference for two conductors. दो से ज़्यादा वाले केसेज आपके अभी आएंगे भी नहीं, ना एनसीईआरटी में ना जेईई मेन नीट लेवल के ऊपर ज़रूरत पड़ेगी. हम उसको कॉम्बिनेशन में हैंडल करेंगे. सो वी अगर हम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो कैपेसिटेंस इज गिवन एज द रेशियो ऑफ चार्ज अप्लाइड टू द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. क्योंकि पोटेंशियल भी इन्फिनिटी से डिफरेंस ही है. मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन किया है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है. सो कैपेसिटेंस इज जस्ट अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कि कितना पोटेंशियल चेंज होगा अगर क्यू चार्ज सप्लाई किया जाए. तो क्यू विल बी रिटन एज सी वी. तो सी का वैल्यू इन दिस केस अगर एक स्फीयर है, KQ by R हमने बात करी है कि स्फीयर के केस में, या वी कैन टॉक अबाउट अ पॉइंट चार्ज. तो इन सच केसेस वी कैन से KQ by R अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दैट केस R by K विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर. सो देर आर मैनी केसेज वी आर गोइंग टू टॉक इन अपकमिंग स्लाइड्स, बट इन चीज़ों को ध्यान रखें. अब लास्ट पॉइंट कैपेसिटर क्या होता है. तो ये जो सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स है इसको हम कैपेसिटर कहते हैं. कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के सिस्टम को हम कैपेसिटर कहते हैं और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है सी विच इज गिवन एज क्यू बाई वी. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो थोड़ा और कैपेसिटर्स को या कैपेसिटेंस को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, बिकॉज आई एम श्योर कैपेसिटेंस को लेके कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है. कई जगह डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है इट इज़ द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज. सो जब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज की बात करते हैं, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद कैपेसिटेंस, ये समझना भी ज़रूरी है. ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेसिक फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफ दिए हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग कई बार कन्फ्यूजिंग होती है. सो अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, अभी हमने करिए कंडक्टर को क्यू चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल वी बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस को हम चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जब भी कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा. इफ यू सप्लाई चार्ज टू इट्स पोटेंशियल राइजेस. अब पोटेंशियल बढ़ने से होगा क्या, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर चार्ज है तो चार्ज की वजह से फील्ड है. अगर फील्ड है तो इसकी सराउंडिंग में जो मटेरियल होगा दिस मी गेट पोलराइज्ड आल्सो. होगा तो पोलराइज होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएं तो कई बार पोलराइजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मटेरियल में ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और फिर ये वाला जो चार्ज इस कंडक्टर पे ये लीक होके सराउंडिंग में चले जाता है. यानी एक कंडक्टर अपनी लिमिट से ज़्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर पाता. अब बात करें कब तक कर पाता है, तब तक जब तक कि यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में या इस मटेरियल का ब्रेकडाउन नहीं होता. ब्रेकडाउन क्यों होगा भाई, सीधी सी बात है, अगर चार्ज दोगे तो इसके लेफ्ट हाफ और राइट हाफ भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. एक लिमिट आ जाएगी जहाँ पे एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि ये टूट के अलग हो जाएगा. तो ये तो मटेरियल का ब्रेकडाउन है. हाउएवर कैपेसिटेंस डज नॉट अकाउंट दिस मटेरियल ब्रेकडाउन. मटेरियल ब्रेकडाउन पे भी बहुत सारी रिसर्च है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे. अभी हम बात करेंगे इसकी सराउंडिंग में. मान लेते हैं एयर है या वाटर है, कोई मीडियम है.
तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एयर या वाटर के डाइलेक्ट्रिक के जो डाइपोल हैं वो प्लस माइनस इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि डाइपोल पे जब फोर्स लगता है तो डाइपोल में अलाइनमेंट आ जाता है। जब इसका चार्ज बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो डाइपोल पे स्ट्रेचिंग फोर्स बढ़ेगा। एक लिमिट आ सकती है इस फील्ड की जब ये स्ट्रेचिंग फोर्सेस डाइपोल को तोड़ देगा, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग मटेरियल ब्रेकडाउन। और ये सराउंडिंग मटेरियल ब्रेकडाउन के बाद जब ये माइनस टूटा तो ये आके इस पे चिपक जाएगा और इसका चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। ये प्लस दूर भाग रहा होगा तो ऐसा लगेगा इसी का चार्ज जितना न्यूट्रलाइज हुआ वो दूर भाग रहा है, तो सराउंडिंग मीडियम में चार्ज की लीकेज मानी जा सकती है। एंड इन दिस सिचुएशन वी कंसिडर की मैक्सिमम जो लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे ब्रेकडाउन होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग दिस कैपेसिटेंस, क्योंकि पोटेंशियल कैन बी गिवन एज क्यू बाई सी। पोटेंशियल की ब्रेकडाउन लिमिट यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो क्यू की ब्रेकडाउन लिमिट आ जाएगी, दैट इज सी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो अगर हम बात करें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी क्यू मैक्स होगी हमारे पास सी मल्टीप्लाइड बाय वी बी, वेयर वी बी इज द ब्रेकडाउन पोटेंशियल। Of conductor in a given surrounding, ये चीज आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैक्सिमम चार्ज विच अ कंडक्टर कैन होल्ड इज गिवन बाई सी मल्टीप्लाइड बाई ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल है जिसपे या तो कंडक्टर ब्रेक होता है या सराउंडिंग ब्रेक होती है। हाउएवर इसकी कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है तो आएगी नहीं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि चार्ज इक्वल टू सी वी से एक बात और पता चल रही है कि ऐसा मटेरियल अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि एक ऐसा मटेरियल जिसका कैपेसिटेंस बहुत हाई है, तो इन दैट केस उसका चार्ज बढ़ाने पे भी पोटेंशियल बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा, क्योंकि सी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। यानी क्वांटिटेटिवली यू नीड टू हैव वन आइडिया अलॉन्ग विद क्वांटिटेटिव तो मैंने बता दिया, क्वालिटेटिवली ऑल्सो यू नीड टू हैव एन आइडिया कि अगर बॉडी की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी इट कैन स्टोर मोर चार्ज, और कैपेसिटेंस कम है तो जरा सा चार्ज देते ही पोटेंशियल शूट अप हो जाएगा, तो इट कैन होल्ड लेस चार्ज। सो कैपेसिटेंस इज गिविंग अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच मैक्सिमम चार्ज अ बॉडी कैन होल्ड। सो ये सिग्निफिकेंस आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठानी है, जस्ट टू कीप द डेफिनेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, अभी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस में बात करी थी ब्रेकडाउन की। सो ब्रेकडाउन से ही एसोसिएटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दी हुई और बच्चे ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं या पढ़ाया नहीं जाता है, मिस हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टर्म समझ में आनी चाहिए क्या होती है। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच मीडियम परसिस्ट और एट विच ब्रेकडाउन ऑफ डाइपोल्स स्टार्ट। एयर का मतलब यह है कि एयर के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अभी मैंने बात बताई कि एयर के डाइपोल्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो डाइपोल पे स्ट्रेच बढ़ेगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक ये एयर के डाइपोल नहीं टूटते वो कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या इसको हम कई बार ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ई बी ऑफ एयर। ये आप ध्यान रखें, दिस 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसपे एयर के डाइपोल्स ब्रेक हो जाते हैं और एयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि डाइपोल टूटने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्री टू मूव हो गए, लूज होकर अलग हो गए, तो एयर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। दिस द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अब हम बात करें एक और पॉइंट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ज्यादातर सबको पता है बट फिर भी एज अ मैटर ऑफ शॉर्ट नोट्स आप पॉइंट लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस इज रिटन एज क्यू बाई वी, इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ फैराड, 1 फैराड इज रिटन एज 1 कूलम पर वोल्ट, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। बट फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, 1 फैराड जनरली कैपेसिटेंस अवेलेबल नहीं होता है, सो इट इज अ वेरी बिग यूनिट। सो स्मॉलर यूनिट्स like microfarad or nanofarad are commonly used।
हम जितने भी केसेस अब पढ़ेंगे उनमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल कंडीशंस में माइक्रोफेरेड नैनोफेरेड कैपेसिटेंस लेंगे, वन फेरेड बहुत हाई कैपेसिटेंस है जितनी प्रैक्टिकली नेचर में अवेलेबल नहीं होती। आई ऑल्सो गिव यू एन असाइनमेंट, बुक में भी दिए हुए हर जगह। आप अर्थ को एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लो जिसकी रेडियस है हमारे पास 6400 किलोमीटर, इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, जो भी मैंने पिछली स्लाइड में बताई थी कि अर्थ सर्फेस पर क्यू चार्ज दिया तो पोटेंशियल आ जाएगा KQ/RC, निकाल लो और न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देखो कितने फेरेड कैपेसिटेंस आते हैं। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। सो स्टूडेंट्स, इन कैपेसिटेंस नेक्स्ट पॉइंट विल टॉक अबाउट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज कैपेसिटर इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस सिस्टम के एक कंडक्टर की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले भी कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं जो हमने यहाँ पे कवर अप नहीं किए क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट पैरेलल प्लेट की बात की गई है। बट अगर आप वैरायटी कवर करनी है विदन, अगेन आई वुड से 5-10 मिनट्स वीडियो में आप कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे स्फीयर कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वायर कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें पैरेलल प्लेट से पहले एक्सप्लेन की गई हैं। दैट बिल्ड एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटेंस और कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, जहाँ पे दो मेटल प्लेट को पैरेलल एक दूसरे से डी सेपरेशन पे रखा जाता है और इनका प्लेट एरिया लिया जाता है हमारे पास से ए। अगर इस सिस्टम में बी से ए पे क्यू चार्ज ट्रांसफर किया जाए, ये क्यू चार्ज ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं। आप बैटरी लगा लीजिए, एक स्विच कनेक्ट कर दीजिए, स्विच बंद कीजिए तो बैटरी इधर से चार्ज उठा के इधर डाल देगी या इधर से उठा के इधर डाल देगी। बट वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट बैटरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ फैक्ट आपको दिमाग में रखना है कि पैरेलल प्लेट्स में जब भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया जाता है तो आउटर सरफेस का चार्ज हमेशा जीरो रहता है और इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट यानी यहां पे प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू होता है। इसके बहुत सारे केसेस कॉन्सेप्ट वीडियोस में हैं जो जेई नीट में काम आते हैं, बट एनसीईआरटी में यही चीज काम आएगी कि आउटर सरफेस पे जीरो चार्ज रहता है, इनर पे इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है। सो इस प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स आप डायरेक्टली बता सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में कवर किया हुआ है। ड्यू टू अ चार्ज ऑन सरफेस ऑफ दिस लार्ज प्लेट इट इज़ रिटन एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया विच कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन ए। क्योंकि ए एरिया पे क्यू चार्ज है तो पर यूनिट एरिया चार्ज होगा क्यू बाई ए, दैट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, यानी वैल्यू हमारे पास आती है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। ये वैल्यू एक तो आप ध्यान में अच्छे से रखेंगे। दूसरी चीज, अगर हम ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। यहाँ पर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। दिस रिटर्न इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब यहाँ मुझे साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन से मैंने जज कर लिया, ए बड़ा है बी छोटा है तो ये मैग्नीट्यूड ही आएगा। और इसको लेना है सेपरेशन डी तक और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ई इंटू डी बन जाएगा सिंपली, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी आर फ्रॉम ए टू बी अगर आप करोगे तो ए टू बी डी आर डी आर डिस्टेंसेस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो डी बन जाएगा, दिस ई डी। सो वी ए माइनस ई बी बिकम्स क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन, और वी ए माइनस वी बी है हमारे पास चार्ज है तो कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करी जाए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो दिस कैपेसिटेंस ऑल ऑफ यू नो दिस कैन बी गिवन एज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी एंड व्हेन यू पुट दिस गिव्स यू एप्सिलॉन ए बाई डी। मैंने हाउएवर पूरा डेरिवेशन कर दिया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था। डेरिवेशन इसलिए किया है क्योंकि इस डेरिवेशन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया आपको, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट समझा दिया, कैपेसिटर निकाली, तो एक साथ तीन पॉइंट शॉर्ट नोट्स के हमारे पास निकल के आ गए। आप चाहें तो इस 21 के बाद इसको 22 कह सकते हैं,
इसको 23 कह सकते हैं, और ये जो 21 है ये डायरेक्टली ये रहा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी गिवन एज ईडी और क्यूडी बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये रिजल्ट सारे एक साथ शॉर्ट नोट्स में रख लीजिए, क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली इन्हीं पॉइंट पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम बात कर चुके हैं, अगर इसमें एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाए, और डायलेक्ट्रिक स्लैब में हमेशा यहाँ पे बात की जाती है एक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंडिकेट्स, दिस रिटन एज के, एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंडिकेट्स कि इस डायलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा तो ये बहुत जल्दी पोलराइज होगा। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये इंडिकेट करता है इसके डाइपोल्स कितने फ्लेक्सिबल हैं एक्सटर्नल फील्ड पर अलाइन होने के लिए, मगर इस चीज़ की ज़रूरत आपको एनसीईआरटी लेवल पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वी नो this given as C is equals to epsilon naught A by D, but when dielectric is inserted, after insertion of dielectric, the capacitance is written as K epsilon naught A by D, where K here is a relative permittivity of the medium, that is what we call dielectric constant। या previous chapter में base level पर cover कर चुके हैं, किसी भी medium का dielectric constant उस medium में charges पर लगने वाले forces को impact करता है। यहाँ पर this k epsilon naught A by D, और this can also be written as kc, this is important for us to understand, k can also be written as epsilon r। now in this situation अगर हम dielectric की बात कर रहे हैं तो चार्जेस की भी बात करते हैं। अगर मान लीजिए इन प्लेट्स पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया है तो इस पे जो चार्ज आएगा क्यू, दैट विल बी इक्वल टू सी वी, सी वी इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। अब अगर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से निकलेगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, व्हाट दिस विल डज, दिस विल पोलराइज द डाइपोल्स ऑफ दिस मीडियम, जो अभी हमने डिस्कस किया था एक मीडियम में एक्सटर्नल फील्ड लगाने से सारे डाइपोल्स पोलराइज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस सर्फेस पर अगर सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, विच इज रिटन एज क्यू बाई ए, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी होगी माइनस क्यू बाई ए, दैट इज माइनस सिग्मा। सो इस डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे माइनस सिग्मा पोलराइजेशन और यहाँ प्लस सिग्मा पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी, और ये जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, दिस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस। ये टर्म आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, वाई वी कॉल इट बाउंड चार्जेस, बिकॉज ये चार्जेस डाइपोल्स की फॉर्म में इस मटेरियल में बाइंड किए हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते। और जो प्लेट के ऊपर चार्ज हैं, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। ये दोनों टर्म्स आप ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी यूज़ होती हैं, जेई नीट के अंदर ये टर्म्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, एनसीईआरटी लेवल के ऊपर ये टर्म्स कम यूज़ होती हैं, लेकिन यूज़ होती हैं, आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन दैट कैन बी गिवन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्लैब के अंदर, इन एबसेंस ऑफ स्लैब हमने बात करी थी, इन एबसेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स होता है, दिस गिवन एज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, विच इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर हम बात करेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक यही वैल्यू हमारे पास होती है, ई इन साइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, और इट इज़ रिटन एज ई बाई के, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। और ये जो ई बाई के है, इस ई बाई के को आप ध्यान में रखेंगे, और इसी से हम सिग्मा पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ई इनसाइड है, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है क्यू बाई ए, सिग्मा पी का वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा को आप लिख सकते हैं ए ई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को आप लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन नॉट, कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा पी एज वेल। यहाँ से आपके पास सिग्मा पी आ जाएगा, सिग्मा पी का वैल्यू होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन बाई के। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपको सारे दिमाग में रखने हैं एज इट इज़। सी इक्वल टू के सी, बेसिक सी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एबसेंस इज दिस इन प्रेजेंस इज दिस। तो ये सारे छोटे छोटे मैंने एक ही स्लाइड पर सारे पैरामीटर एक्सप्लेन किए, क्योंकि आपको 5 या 6 शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली यहीं से मिलेंगे, और ये पॉइंट्स आपके हर जगह काम आएंगे। और एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें गिवन है जो मैंने यहाँ पर ली हैं, अलॉन्ग विद द बेसिक एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू ऑल द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस सेक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पोजी क्लियर करें।
थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट, एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ना ही जेईई मेन नीट में काम आता है, बट एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में गिवन है। वी आर टेकिंग इट अप बिकॉज जो भी स्टूडेंट आगे हायर एडवांस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या ये कहें इंटरनेशनल ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एनसीईआरटी में गिवन एंड दीज आर वर्ड बाई वर्ड शॉर्ट नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, तो वी डोंट वॉन्ट टू स्किप इट। मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट विल बी यूजफुल। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करेंगे। आप देखें यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब दी हुई है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये डाइपोल्स फील्ड के अलाइन अलॉन्ग फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बात हमने करी थी, और इसमें डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पी वैक्टर डेवलप हो जाता है, विच वी टर्म्ड एज पोलराइजेशन वैक्टर, और ये पोलराइजेशन वैक्टर ई के प्रोपोर्शनल होता है, दिस रिटर्न एज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात भी हम कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे एन कैप एक सरफेस वैक्टर रिप्रेजेंट किया है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब अगर हम क्यों लिया है, इसका भी रीजन मैं भी आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देखिए कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसमें डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ, बाउंड चार्ज सरफेस डेंसिटी प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो लेफ्ट और राइट सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, इनकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी डेवलप होगा, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस। ई पी का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच वाले चार्जेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे बिकॉज ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड स्टेट में होंगे, सिर्फ लेफ्ट और राइट के कंसीडर किए जाते हैं। इन चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ना है, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमेशा की तरह मैं फिर यही कहूँगा, कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके आप डिटेल में कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A में दी हुई है, नॉट डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बट अबाउट डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एवरीथिंग इज गिवन, यू कैन गो थ्रू विद दैट ऑल्सो। नाउ इन दिस केस अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए ई, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड को मैं ई नॉट लिख देता हूँ और इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, इसको हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब अगर बात की जाए, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट इज द एक्सटर्नल फील्ड माइनस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन एग्जिस्टेंस, एक्सटर्नल माइनस ऑपोजिट। अब अगर ये एक्सटर्नल फील्ड को मैं मानता हूँ कि किसी प्लेट की वजह से जिस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, तो ई नॉट को तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई पी को लिखेंगे अपन सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा हमारे पास सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को जब इस सिग्मा पी यानी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज से रिलेट किया जाता है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशन, देन इट इज फाउंड वी यूज पी जो है इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा पी के बराबर आता है, और वेक्टोरियली दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा पी इज इक्वल्स टू पी वैक्टर डॉट एन कैप। आप अगर पोलराइजेशन वैक्टर को एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली निकल के आ रहा है, ये दिखाई देता है। सो इन दिस केस हियर वी कैन से इफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर, हम एक और वेक्टर डिफाइन करते हैं, वी आल्सो डिफाइन अ वेक्टर डी विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सिग्मा विच इज द सोर्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सिग्मा पी तो मीडियम के साथ वेरी करेगा, सोर्स चार्ज का चाहे किसी भी तरह का मीडियम डालो इसके साथ वेरी नहीं करेगा, सच दैट सिग्मा का वैल्यू भी हमने डिफाइन कर दिया डी वैक्टर डॉट एन कैप। इट डज नॉट मेक मच सिग्निफिकेंस ओवर हेयर बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू यूज दिस रिलेशन ओवर हेयर, दिस स्टेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी को आप लिख सकते हो डी माइनस पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द सेम कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अभी पिछली स्लाइड में बात करी थी कि अगर ये कैपेसिटर प्लेट है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन के हो जाता है, सो दिस कैन ऑल्सो भी फर्दर रिटर्न एज डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। नाउ रीअरेंजिंग दीज टर्म्स यू कैन सी वॉट वी आर गेटिंग, अगर इन टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो विल गेट पी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, और रेदर आई शुड राइट डी इज इक्वल्स टू epsilon naught e plus p, this d and this written as displacement vector, ye jo humne electric displacement likha hai, this is the electric displacement vector which in different cases varies when a dielectric slab is there, but electric field jo hai ye net electric field hai जो डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है, तो जब हम डी की बात करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वेरी विद डायलेक्ट्रिक स्लैब, वेयर इज दीज टू पैरामीटर्स आर गोइंग टू वेरी बट डी विल रिमेन कांस्टेंट। तो डी एक ऐसा वेक्टर आ गया विच इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये हर जगह कॉन्स्टेंट है, चाहे मीडियम के अंदर मीडियम के बाहर। यहाँ पे आप तीन या चार स्लैब्स लगा दीजिए,
तो भी उन स्लैब के अंदर हम यही मान के चलेंगे डी वेक्टर इज कॉन्स्टेंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और द सोर्स चार्ज जो वेरी नहीं करता, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज करें तो यहाँ से एक टर्म और मिल रही है हमारे पास, डी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ई। अगर ये वैल्यू यहाँ रख देते हो तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है, पी इज इक्वल्स टू के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ई। तो कंपेयरिंग दिस रिलेशन विद दिस रिलेशन यू कैन सी we are getting electric susceptibility is equals to k minus 1 times epsilon naught, this is another relation you are getting. So yahan pe bhi aapke paas bahut sare points hain, har line ko har relation ko aap short note mein dal lijiye, this is quite useful but ncrt syllabus mein nahi hai, ye section unhi ke kaam ka hai jo olympiad level pe prepare kar rahe hain. Chaliye aage badhte hain, poji clear kare. Thank you, Poji. So student, the most common point related to capacitor is combination of capacitors. जैसे आपने 10th class में combination of resistances पढ़े हैं, वैसे ही NCERT में simple सा section दिया गया है combination of capacitors. NCERT में कोई ज़्यादा applications नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैं भी अपने आप को restrict कर रहा हूँ up to NCERT word by word short notes. आप short notes build up कर लीजिए, applications यहाँ पर build up करने हैं तो आपको हमारे concept video पर जाना है. बहुत slow paced हैं लेकिन 10-15 minute में खूब सारे applications समझ में आ जाएंगे. So cover up the capacitor सेक्शन फ्रॉम कॉन्सेप्ट वीडियोस, तो आपको पूरा इतना एप्लीकेशन मिल जाएगा इन्हीं चीजों का जो आपको ना सिर्फ बोर्ड लेवल पे बल्कि किसी भी बेस लेवल से आगे ले जा सकते हैं. और जो जेई एडवांस लेवल पे बच्चे तैयार कर रहे हैं वो जेई एडवांस के लिए हमारे एडवांस इलस्ट्रेशन वीडियोस कैपेसिटेंस के देखेंगे तो अपने आपको एडवांस लेवल तक भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अभी सबसे पहले बेस पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए देख लें, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में है तो एक के आगे एक लगे होंगे और कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू जो निकाली जाती है वो उस फॉर्मूले से निकाली जाती है जो हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस. सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब सारे कैपेसिटर्स के टर्मिनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल. ये सब चीजें आप 10th बोर्ड में या अपने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं. और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सीरीज फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटेंस का सम. अब अगर अलग अलग केसेस आ जाते हैं कि दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, उसके पैरेलल में एक लगा हुआ है और ये किसी तीसरे के साथ सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट फॉर्मूले यूज करके हम फाइनल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. और अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो दो बेस पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, मैं यहीं पर ले लेता हूं, दिस नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को इसकी होनी चाहिए, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपेसिटर्स. तो ये चीज आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे. आई एम नॉट टेकिंग अप इन डिटेल बट बेस पॉइंट आई नीड टू एक्सप्लेन कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में हैं और इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है C1, C2, C3, तो ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे चार्ज सप्लाई करेगी और Q जो टोटल सप्लाई होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इनटू V. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स के ऊपर इक्वल चार्ज ही सप्लाई होगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. हो सकता है C3 कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो तो उन पे भी टोटल चार्ज इस तरह से होगा. इफ वी टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस फॉर सीरीज, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा सीरीज में सब पे चार्ज बराबर होता है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स के दिए हुए हैं हमको और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने कोई बैटरी कनेक्ट करी है वी, सो इन दैट केस C1, C2, C3 तीनों पे चार्जेस अलग अलग होंगे, Q1, Q2 और Q3 सेम, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और जो टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी बैटरी में से जो निकलेगा वो होता है Q इक्विवेलेंट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V, वेयर एज Q1 इज इक्वल्स टू C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V एंड Q3 इज इक्वल्स टू C3V. तो ये बेस पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है. पैरेलल में जो चार्जेस हैं सब पे अलग होते हैं क्योंकि पोटेंशियल सबका कॉमन है, तो चार्ज अलग होंगे, टोटल चार्जेस सम ऑफ द टू. और इन केस ऑफ सीरीज सब पे चार्ज सेम होता है, विच इज गिवन बाय सी इक्विवेलेंट वी, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. अगर एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे बैटरी चार्जेस को सर्कुलेट करेगी, इस प्लेट पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, वेयर वी राइट क्यू एज CV. इसका मतलब बैटरी में से एक चार्ज फ्लो हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू.
और हमें अच्छी तरह से पता है बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज गिवन एज वी, और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करें वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की चार्जिंग के अंदर जो बैटरी ने वर्क किया वो किया क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी, क्योंकि क्यू चार्ज फ्लो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस वी है दिस कम्स आउट टू बी सी वी स्क्वायर, मतलब इतना वर्क बैटरी को करना पड़ा। लेकिन जब बैटरी में से चार्जेस फ्लो हुए तो वायर्स में जब कोई चार्ज फ्लो होता है कोई करंट फ्लो होती है तो इन दैट केस हमेशा एक फिनोमेना है आपने अर्ली क्लास में पढ़ा है दैट इज जूल हीटिंग इफेक्ट। तो वायर में से हीट लिबरेट हो जाती है और कैपेसिटर के अंदर जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इज फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फील्ड एनर्जी है इस एनर्जी की जो डेंसिटी होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फील्ड एनर्जी दिस small it is represented by small ue and it is given as half epsilon naught e square joule per meter cube। ये value भी आप ध्यान रखेंगे NCERT में भी formula given है। derivation किन्हीं भी चीज़ों पर जाना है NCERT में rather derivation बहुत depth में नहीं है but हम easily निकाल सकते हैं क्योंकि इस capacitor की energy की भी calculation की जा सकती है charge की calculation से। NCERT में पूरा derivation है I am not taking it, आप देख सकते हैं और उस derivation से ये derive भी हो जाता है बट फॉर्मूले इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी कैप्ट इन शॉर्ट नोट्स। सो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जैसे इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी पर यूनिट वॉल्यूम दिस गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो अगर हम कैलकुलेट करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग, मतलब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि बैटरी ने इतना वर्क किया इसमें से कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। जो वायर है उसमें कुछ हीट में निकल गई तो इससे तो कम स्टोर हुई होगी। तो वो जो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है इसका डिटेल्ड डेरिवेशन आपको इंडिपेंडेंट डेरिवेशन चाहिए कॉन्सेप्ट वीडियो में मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू विद दैट बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए डी। D इज द प्लेट सेपरेशन, जब एक कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वेयर ए इज द प्लेट एरिया डी इज द प्लेट सेपरेशन। तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं हम V बाई डी। सी वॉट वी आर गेटिंग ओवर हियर दिस गिव्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी मल्टीप्लाइड बाई V बाई डी होल स्क्वायर। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज V बाई डी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सी एक D कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास रिजल्ट बचता है हाफ सी वी स्क्वायर, यानी बैटरी ने जितना वर्क किया उसका 50% कैपेसिटर में स्टोर हुआ है सिर्फ। ये बात अच्छे से दिमाग में रख लीजिए 50% जूल हीटिंग में डिसिपेट हो गया। हाउएवर दिस कैन बी रिटन इन मल्टीपल वेज, यहाँ पे C को मैं लिख सकता हूँ Q बाई V तो ये हो जाएगा हाफ क्यू वी, V को लिख सकता हूँ मैं Q बाई सी तो दिस बिकम्स Q स्क्वायर बाई टू सी। सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसी के मल्टीपल वेरियंट्स आ सकते हैं कि अगर कैपेसिटर के अंदर एक डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा। तो डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने से अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा, C विल चेंज टू के सी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब नई एनर्जी हो जाएगी हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इस पे चार्ज फिक्स रहेगा, अब चार्ज फ्लो हो नहीं सकता तो आप क्या करेंगे क्यू स्क्वायर बाई टू के सी कर देंगे। सो दो चीज़ें जो समझ में आ रही है अगर डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करें, चलिए इसको एक लास्ट पॉइंट के फॉर्म में अलग से ले लेते हैं फिर अपन इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। पोजी क्लियर करें, थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं टू केसेस विल टेक। फर्स्ट केस हम लेंगे जिसमें कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है और इसमें डायलैक्ट्रिक डाला जा रहा है। तो हमें पता है कैपेसिटेंस अगर हम बात करें आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक होता क्या, कैपेसिटेंस विल चेंज टू के सी, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में थी हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में हो जाएगी हाफ के सी वी स्क्वायर, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो वी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो दिस बिकम्स के यू, यानी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब भी डायलैक्ट्रिक डाला जाएगा ना। और ये भी कह सकते हैं इसको डालने से चार्ज भी क्या होगा, पहले Q था इक्वल टू सी वी फिर चार्ज फाइनल चार्ज हो जाएगा
के सी वी, दैट मीन्स चार्ज भी बढ़ा यानी बैटरी ने एक्स्ट्रा वर्क किया, कितना किया, के माइनस वन सी वी स्क्वायर बैटरी वर्क करेगी, और एनर्जी कितनी बढ़ी, के यू माइनस यू यानी के माइनस वन हाफ सी वी स्क्वायर। सो ये सारी चीज़ें काम आएंगी कहीं पे भी कोई एम सी क्यू है इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो अब बात करें केस टू की, जहाँ पे बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया है लेकिन कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो अब चार्ज की जो वैल्यू है यहाँ पे केस टू में Q विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि अब बैटरी नहीं है तो चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता। सो एनर्जी अगर इनिशियल देखी जाए ये होगी हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और फाइनल एनर्जी देखी जाए ये होगी क्यू स्क्वायर बाई टू के सी, यानी ये हो गई यू बाई के, यानी डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटर की एनर्जी कम हो गई। कम क्यों हो गई, एनर्जी कहाँ चली गई, तो इसका डायरेक्ट आंसर है जब डायलैक्ट्रिक डाला जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायलैक्ट्रिक को पोलराइज करेगा, उसके डाइपोल को घुमाएगा। सो अगर कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को पोलराइज कर रहा है तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है तो इसकी ओवरऑल एनर्जी रिड्यूस होगी, दैट्स वाई एनर्जी इज रिड्यूस फ्रॉम यू टू यू बाई के। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अलग से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हमने इसलिए किया क्योंकि बेस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो जस्ट कंप्लीट योर शॉर्ट नोट्स, एक लास्ट टॉपिक के साथ हम अगली स्लाइड में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, दिस द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक अप इन दिस चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज वेन्डी ग्राफ जनरेटर। वेन्डी ग्राफ जनरेटर का बेसिक मीनिंग क्या है या पर्पस क्या है, आप ये कर लीजिए, दिस इज यूज टू एक्यूमुलेट हाई अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ मेटल बॉडी। एक मेटल बॉडी पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और नाम जनरेटर है बट ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा है। एक पॉइंट पे चार्जेस दे पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी बॉडी को चार्ज दो, चलिए एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए कि मेटल बॉडी है, आप इसके ऊपर बाहर से कुछ प्लस क्यू चार्ज ला के दोगे तो वो इस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, ये बात पहले ही बात हो चुकी है। अब आप इस पे और प्लस क्यू एक और ला के देना चाहोगे, क्यू वन दे दिया, अब क्यू टू दोगे तो पहली चीज तो इस क्यू टू को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा तो ये आसानी से आएगा ही नहीं। सो दिस इज अ मेजर इश्यू, क्योंकि ये चार्ज आएगा ही नहीं, रिपेल हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा धक्का देके इसके रिपल्शन के अगेंस्ट, और इसको भी पकड़ के रखना है, इसको चार्ज देंगे तो फिर ये चार्ज बढ़ जाएगा, तो अब तीसरा चार्ज देना और डिफिकल्ट हो गया। यानी एक बॉडी को जितना ज्यादा चार्ज देना है उतना वो डिफिकल्ट होता जाता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक बॉडी पर बहुत हाई चार्ज देने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस जनरेटर का इन्वेंशन किया गया था। ये जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो आपको मैं पहले एक लाइन में समझा देता हूँ, फिर जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग, कॉन्सेप्चुअली वी से अगर हमारे पास एक मेटल शेल है, से दिस इज अ मेटल शेल, तो इस मेटल शेल में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज दोगे वो चार्ज इसके ऊपर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 डिपॉजिट हुआ तो इसके अंदर हर पॉइंट पे R1 रेडियस की वजह से पोटेंशियल होगा इनसाइड एट एवरी पॉइंट दिस इक्वल्स टू के क्यू वन बाई आर वन, देर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल शेल में जीरो है तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हर जगह पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अगर इसके अंदर एक और मेटल स्फेयर है विच इज ऑफ रेडियस R2 और इस पे चार्ज दिया हुआ है Q2, तो अंदर वाले का अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, सो वी इनसाइड वन, दिस ड्यू टू वन, दिस टू, तो वी इनसाइड अगर टू की बात करें तो इसकी खुद की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू टू बाई आर टू प्लस बाहर वाले का पोटेंशियल तो है ही, तो इट इज़ के क्यू वन बाई आर वन। अब समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अंदर वाले का पोटेंशियल जब भी देखा जाएगा तो बाहर वाले से ज़्यादा ही होगा, यानी वी वन इज ऑलवेज लेस देन वी टू, वी टू हमेशा बड़ा होगा। तो अगर V2 को V1 से यानी 2 को 1 से एक वायर से कनेक्ट किया जाए तो चार्ज किधर फ्लो होगा, क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये चार्ज फ्लो करके बाहर चले जाएगा। अब ये बाहर वाला इसको रिपेल भी नहीं करेगा क्योंकि बाहर वाला इज एट लोअर पोटेंशियल, तो अंदर से बाहर चार्ज को फ्लो कराना इज़ वेरी इजी बिकॉज इंटरनली ये रिपेल होता है। एंड दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेन्डी ग्राफ जनरेटर। अब हम जनरेटर को देखते हैं और समझते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग। हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर विच इज शोइंग अ वेन्डी ग्राफ जनरेटर। पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक मोटर होती है, दिस इलेक्ट्रिक मोटर, और ऊपर यहाँ पे एक रोटर होता है, रोटर यू कैन कंसिडर जस्ट लाइक अ पुली, और इस पे एक ये रबर बेल्ट लगी होती है,
दिस इज अ रबर बेल्ट, रबर कह सकते हैं, इंसुलेटिंग बेल्ट कह सकते हैं, कई तरह के मटेरियल यूज होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक मोटर घूम रही है तो ये रोटर के ऊपर बेल्ट लिपटी हुई है तो ये बेल्ट भी रोटेट हो रही है। ये जो रोटर है ये जमीन से ये ग्राउंड पे रखा गया होता है और ये काफ़ी हाइट पे, कई मीटर्स की हाइट पे रखते हैं क्योंकि ग्राउंड इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो ग्राउंड के ऊपर भी चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं, इसलिए वेन्डी ग्राफ जनरेटर जो एक्चुअल बनाया जाता है वो काफ़ी हाइट का होता है। और दिस इज अ मेटल शेल जो इसकी चारों तरफ एनक्लोज कर दी जाती है। अब नीचे इलेक्ट्रिक मोटर के पास में एक ये मेटल ब्रश होता है, दिस इज अ मेटल ब्रश, और यहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करते हैं। और जब चार्ज हम सप्लाई करेंगे और ये मेटल ब्रश अगर इस रबर बेल्ट से कनेक्टेड है तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से, बिकॉज रबर बेल्ट इज एन इंसुलेटर, फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज क्या होगा, रबर पे डिपॉजिट होता जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक मोटर घूम रही है तो बेल्ट के साथ ये चार्ज ट्रेवल करता करता ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ना कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज फ्लो नहीं हो सकते, एक बार रबर बेल्ट पे ट्रांसफर हो गया तो बेल्ट जहाँ भी जाएगी उसके साथ साथ चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेटल शेल से कनेक्ट की हुई एक वायर को दूसरे मेटल ब्रश M2 से जोड़ देते हैं, दिस अनदर मेटल ब्रश। ये मेटल ब्रश क्या करता है, ये जब इस बेल्ट के चार्जेस से रब होगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज इस मेटल ब्रश पे ट्रांसफर होगा और इस ब्रश के थ्रू इस आउटर शेल की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे जैसे ये बेल्ट चलती रहेगी, अब आप देखो यहाँ से हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, इंसुलेटर से ये ऊपर पहुँच रहा है और अंदर वाला चार्ज क्योंकि हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है, बाहर वाले से ये जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो इस ब्रश से हमेशा चार्ज ट्रेवल करता हुआ आउटर शेल पे जाता जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट, जब तक ये जनरेटर चलता रहेगा यहाँ पे चार्जेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कब तक, यू आर राइट वॉट यू थॉट अपॉन, इस चार्ज के बढ़ने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर नहीं पहुँच जाता, ई बी ऑफ एयर। एंड आपको याद होगा ई बी ऑफ एयर वी ऑलरेडी डिस्कस दिस 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एयर में ब्रेक डाउन शुरू होगा और ये चार्ज इसकी सरफेस से एयर में लीक होगा। अगर इसको आपने किसी लिक्विड में डाल दिया तो उस लिक्विड की जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, या किसी मीडियम में डाल दिया तो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक ये चार्ज होगा और उसके बाद ये चार्ज उस मीडियम में लीक होना शुरू हो जाएगा, यानी जो भी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हमने पढ़ा था वहां तक ये सिस्टम इस तरीके से वेन्डी ग्राफ जनरेटर से चार्ज किया जा सकता है। ये जो इनिशियल प्रॉब्लम थी दैट इज ओवरकम यूजिंग दिस मैकेनिज्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग गिवन इन एनसीईआरटी इन सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सारे शॉर्ट नोट्स बिल्ड कर लीजिए और एनसीईआरटी को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप रीड कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, दिस हेल्प्स यू इन ओवरऑल बिल्डिंग। बाकी सारे टॉपिक्स भी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट वीडियो से देख लीजिए, कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो वो भी ग्रेजुअली वी आर कवरिंग अप। एंड कहीं पे भी आपको लगता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है तो फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाएं या फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ये चैप्टर्स बहुत ही लैबोरेटेड थ्योरी से एक्सप्लेन है, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर टेक्स्ट बुक्स इफ यू आर फॉलोइंग दिस। और पीछे एक्सरसाइजेस भी कैटेगराइज्ड हैं, जो स्टूडेंट बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इस बुक से थ्योरी और डिस्कशन क्वेश्चंस पे फोकस करें, बाकी जरूरत नहीं है, और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बाकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। चलिए यहां पे कंक्लूड करते हैं, विश ऑल द बेस्ट।